भाई, आज पहली बार विराट ने मुझे पूरे दिल से स्वीकार किया है। मैं विराट की नजर में भी उसकी पत्नी बन गई हूं। और जब कोई इतना लंबा इंतजार करता है ना, उसके मिल जाने के बाद वो सब एक सपने जैसा ही लगता है। मुझे भी वैसा ही लग रहा है, कहीं एक सपना तो नहीं। आई अगो, यकीन हुआ? यकीन हो गया क्या ये सपना नहीं है? फॉरवर्ड मुनी। ध्यान रखना, संभालना खुद को। हैप्पी जर्नी। और सुनो, पहुंचने के बाद तुरंत फोन करना। आई, विनू का ख्याल रखना। पत्र लेखा, तुम ना तुम्हारी सारी जो भी चिंता है ना यहाँ पे छोड़ दो और एंजॉय करो। विनू का ख्याल रखने के लिए हम लोग सब हैं ना। अरे थम्मा थम्मा, हाँ, अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, मुंह मीठा करके जाओ। वहिनी, ये दोनों शर्मा रहे हैं। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, अच्छे काम के लिए तो जा रहे हैं। खुशखबरी नहीं सुनानी है क्या इनको? क्यों विराट, सही कह रहे हो ना? मैं अब हमें तू बाल गोपाल दे या नन्ही राधा जी, तेरा बच्चा खिलाने का मेरा सपना पूरा कर दे। और देखना, आई बाबा बोलने से पहले वो अजी अजी करेगा। आई, वो वीनू ना दिन भर फोन पे ना लगा रहे बस, और एक बार चेक कर लेना कि वो सो गया है या नहीं। वो हम लोगों से ऐसे कभी अलग नहीं रहा है ना। तो पत्र लिखा, अश्विनी ने कहा ना, तो यहाँ की चिंता छोड़ दे, हम सब है ना, वीनू को कोई तकलीफ नहीं होगी। और देखना, हम लोग वीनू को तुमसे ज्यादा अच्छा संभालेंगे, बरोबर ना? हाँ। वहिनी, आप टेंशन मत लो, हम चाचा भतीजे ना, अरे बहुत मजे करेंगे। आप लोग बस आराम से जाइए और अपना ट्रिप एंजॉय कीजिए। चलो जल्दी जल्दी एंजॉय करना, ठीक है? होए। अरे बस 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 बस, सुखी सुखी रहा। अरे खुश रहा। विराट, एक मिनट, आपकी बार मैं तुम्हारी तरफ से नहीं, पत्र लेखा की तरफ से बोल रही हूँ। उसकी आई बनके तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी बच्ची को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वापस आकर इसने मुझसे तुम्हारे बारे में शिकायत की, अब की बार पकड़ा है, बाद में मरोड़ दूंगी। आई, समझ लो, तुला समझ लो। हाँ समझ लो, समझ लो। अता सा। लेकिन बेटा, मैं दिल से कह रही हूँ, पत्र लेखा को अभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ झेला है इसने, न जाने कितनी बार दिल टूटा है इसका। बच्चों जैसा मासूम दिल है इसका, अब इसे कोई भी तकलीफ नहीं देना। मुझसे वादा करो। वादा करता हूं। जिंदगी भर चाचा भतीजा ही करते रहोगे? हाँ, कभी हमें भी अपने पोता या पोती का चेहरा, शक्ल, फेस देखने का मौका मिलेगा कि नहीं? तुम और करिश्मा कब गुड न्यूज दे रहे हो? इससे कुछ पूछती हूँ तो ये तो बता देती है कि तुम दोनों में पति और पत्नी का रिश्ता है ही नहीं। तुझे कुछ पूछती हूँ तो तेरे मुंह पे ताला लग जाता है। कायद साले का है कड़त ने। अरे पता ना क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच।
क्या हुआ? गाना क्यों बदल दिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वैसे तो ये तुम्हारा और सई का फेवरेट सॉन्ग है ना? मैं बीती बातें नहीं करना चाहता पाकी, प्लीज। हम जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं ना, तो क्या हम पीछे मुड़ कर देखना छोड़ सकते हैं? हाँ। अच्छा तो हम हमारी एक नई प्लेलिस्ट बनाए? हाँ क्यों नहीं, बनाते हैं। अरे वीनू के घर आने का टाइम हो गया है ना? तुमने मोहित से कह दिया कि वो उसे स्कूल से लेकर आ जाए घर? हाँ उसका मैसेज भी आ गया है, वो वहां से निकल चुके, तुम चिंता मत करो। नहीं वो ऐसे कभी हमने वीनू छोड़ा नहीं है ना अकेले, थोड़ी टेंशन होती है पर वैसे मैं जानता हूँ वो बोल नहीं रहा है लेकिन उदास होगा वो अभी। अरे अगर ऐसी बात है तो गाड़ी घुमाओ, हम उसे भी साथ में ले लेते हैं। नहीं नहीं वो मतलब नहीं था मेरा, ये ट्रिप तो हमारे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए। उसे पता चल जाता कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है तो वो घर में जाके पता नहीं क्या तमाशा कर सकती थी। मुझे मोहित भैया को सब कुछ बता देना चाहिए करिश्मा के बारे में। हाय मोहित भैया। हाय। कैसी चल रही है लाइफ, सब कुछ ठीक? सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने अब पत्र लिखा वहीं के साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो बस उसी में टाइम निकल जाता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा गुड। लेकिन मैं काम के बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी। करिश्मा और आपके बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। पक्का सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक, डोंट वरी। आप मुझे करिश्मा का नंबर दोगी क्या? कब से उससे बात नहीं करी और कभी मन करेगा तो फोन कर लूंगी। अच्छा आप मुझे आपका फोन दो, मैं सेव कर लूंगी। थैंक यू। सुबह से मुंह क्यों फुला के लगा है और टिफिन भी अच्छे से नहीं खाया, आज आपको बहुत डांटेगी। आती मुझे क्यों डांटेंगी, डांटूंगा तो मैं सबको। अरे बड़ा क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों उतारा हुआ है? अरे डॉक्टर आंटी ये फेयर थोड़ा है, मम्मा पापा हमारे पिकनिक पे आ सकते हैं लेकिन मैं उनके हनीमून पिकनिक पे नहीं जा सकता। और मम्मा ने कहा भी था कि आप दूसरी फैमिली के साथ चले जाना लेकिन बाबा नहीं माने। बड़ा वो क्या होता है ना, कभी कभी मम्मा पापा को आपस में भी तो एक दूसरे से बातचीत करने का मन करता है ना अकेले में, तो इसीलिए। अरे डॉक्टर आंटी आपको पता नहीं है वो कितनी अच्छी जगह है, उनके बाथरूम में कितना बड़ा बाथटब है और वहाँ पे टेरेस पे ना आइसक्रीम भी सर्व करते हैं, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और अरे ताई ने मुझे वीडियो भी दिखाया था, वो कितना बड़ा रिसोर्ट है। अब मामा पापा आराम से वहाँ पे अकेले टेरेस पे आइसक्रीम खाएंगे मेरे बिना। वीनू बेटा अगर मम्मा और बाबा नहीं है तो क्या हुआ, चाचू तो है, चाचू आपको मॉल के ना नए वाले फन जोन में लेके जाएंगे। आप लोगों को पता है वहाँ कितने सारे गेम्स हैं, अरे वहाँ तो ट्रैम्पोलिन भी है। और एक बात बोलूं, चाचू आपको एक नहीं दो दो आइसक्रीम खिलाएंगे, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स की। चले चाचू मुझे कहीं नहीं जाना। वीनू अच्छा ठीक है एक बात बताओ, अगर हम लोग भी कहीं बाहर चले तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं बाहर अच्छी जगह
हाँ? और खूब मजा करेंगे। गुड आइडिया। आप, मैं, सभी और मोहित चाचू, हम सब चलेंगे। मोहित चाचू, आप हमारे साथ चलोगे ना? नहीं बेटा, सो सॉरी, आपकी मम्मा यानी है ना, तो ऑफिस का सारा काम मुझ पर आ गया। बट आप लोग चले जाना और मेरे हिस्से का फन आप लोग दोनों कर लेना। अच्छा, मैं आप लोगों के आज ही आज सुबह से परमिशन ले लूँ, ठीक है? चलो बच्चा पटे आ जाओ, गाड़ी में आओ, एक एक करके चलो चलो चलो। यस, आराम से आराम से। सही बोलो बेटा, सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मैं वो पूछना चाहती थी कि क्या मैं वीनू को बाहर घुमाने ले जाऊँ सभी के साथ? विनायक का मूड ऑफ था, मैंने सोचा बाहर सभी के साथ घूमेगा तो उसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सही सोचा है बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात। तुम वीनू को सभी के साथ लेके जाओगी तो उसका मन भी बहलता रहेगा। मैं काम करूँ क्या? अगर तुम चाहो तो मैं बच्चों के लिए किसी पार्क की बुकिंग करूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज करूँ। ठीक है, और ख्याल रखना हाँ खुद का। और सही, वो शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ बच्चों को बाहर घुमाने लेके जा रही हूँ। शुक्रिया इसलिए नहीं कह रहे हैं, नौकरी से रिजाइन करने के लिए कह रहे हैं, विराट की जिंदगी से दूर जाने के लिए कह रहे हैं, और हमारी जिंदगी को बख्शने के लिए। अब दूर गई है ना तो दूर ही रहना। मीनू को घुमाने ले जा रही है ना, ठीक है, लेकिन मीनू के बहाने उनको फोन मत करना, समझ लो। मैं बच्चों को घुमाने लेके जा रही हूँ तो हम लोग बहुत मजे करेंगे। आपके विराट, मिसेस अवान नो नेटवर्क एरिया में रहें या नहीं रहें, हम जरूर रहेंगे। तो आप लोग प्लीज कोई चिंता मत कीजिएगा बच्चों की, अब मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आइए आइए सर, विराट सर पत्र लेके। मैम ये आपका स्वीट। आपको अरेंजमेंट्स अच्छी लगी होंगी, प्लीज एंजॉय।
थैंक यू विराट, इस हॉलिडे के लिए आई थिंक हमें इसकी बहुत जरूरत थी। मैं खुश हूं कि तुम्हें ये सब पसंद आया। वो तो मैंने तुम्हें संभाला हुआ, वरना तुम तो तुम ही संभालती हो मुझे, मैं तो तुम्हें कभी संभालता नहीं। ऑब्वियसली बाकी क्या कर रही हो? देखो ना विराट, कितनी प्यारी फोटो लग रही है। पर तुमने बिना पूछे उनकी फोटो ले ली है। या तो मैं उनकी परमिशन ले लेती, या फिर इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरा में कैद कर लेती। देखो ना विराट, कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। पर बाकी अच्छा एक मिनट रुको, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, बट आप दोनों साथ में इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे ना, और मैं खुद को रोक नहीं पाई तो मैंने आप दोनों की एक पिक्चर क्लिक कर ली। आई होप आप दोनों को बुरा नहीं लगेगा। देखो सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी पिक्चर है। सच में बहुत प्यारी पिक्चर है, थैंक यू। एक्चुअली मेरी भी मेरे हस्बैंड के साथ एक ऐसी ही मेमोरी थी। अब मैं उस मोमेंट को तो कैप्चर नहीं कर पाई, इसीलिए सोचा कि आप दोनों की इस याद को यादगार बना दूं। सही कह रही हैं, जब लम्हे तस्वीरों में कैद हो जाएं तो उम्र भर के लिए मीठी यादें बना देते हैं। So true. By the way, मैं स्वप्निल वाघ और ये मेरी वाइफ नियति। हाय 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 पाखी, और ये मेरे हस्बैंड है। हेलो विराट। इस ट्रिप में आप हमारी चाहे जितनी भी फोटोज लेना चाहे ना ले सकती है, बस बाद में हमें मेल जरूर कर दीजिए। श्योर श्योर। पाखी हाँ? तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। वेटर, वो देखो अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखता है। और तुम, मैं बीमार भी होती हूँ फिर भी ऑफिस चले जाती हूँ। अच्छा बेबी, दवाई के लिए कमाना भी तो होता है ना, है ना? वीनू यहाँ होता तो उसे बहुत अच्छा लगता। तुम्हें वीनू की याद आ रही है ना? मुझे भी। चलो उसे वीडियो कॉल करते। ओहो ये नेटवर्क, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। विराट, आपने अपनी वाइफ को अभी दवाई दी थी, वो ठीक तो है ना? उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल कुछ हफ्ते पहले बस से सफर कर रहे थे मेरी पत्नी पाकी और मैं, और उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उसे बहुत चोटें आई थी। पापा की कृपा से पाकी बच गई, पर अब घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया और दवाइयाँ चल रही है। इट्स ओके नियति, इट्स ओके, इट्स ओके। I'm sorry. मैंने कुछ गलत बोल दिया, ये ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। Actually, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ साल पहले हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था, बस जब भी वो बात याद करती है तो घबरा जाती है। हमारी नई नई शादी हुई थी, हम नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे पग फेरे की रस्म के लिए, वही पास में ही मेरा गांव था,
नागपुर से गढ़चिरौली। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.